हमारे नवयुवक जितने बेरोजगार हैं, जैसा मेहनत मैं कर रहा हूँ, मैं 60 साल की उम्र में जब मैं ये धरती माँ में जो है इतना काम कर सकता हूँ, तो वो लोग भी कर सकते हैं। मच्छी वो भी पाल सकते हैं, गाय मैंने 10 पाले की तो 5 तो पाले। सभी से ये कहता हूँ, सेना के अंदर में रहा 175 लड़के मैंने सेना में यहाँ से आसाम पहुँचाए मैंने, तो मैं सभी को कहता हूँ, मेरे को नींद भी नहीं आती थी जब मैं बच्चा था कि मैं सोचता था मेरे को तो रोजगार लगनी, मेरे दोस्तों को भी रोजगार लगनी चाहिए, ये मेरी दिल की तमन्ना थी। और मैंने जीआर गोरखा रेजिमेंट में ट्रेनिंग की, तो इसलिए मेरे को हिम्मत आती है कि सेना क्या करेगा। अभी भी जो है 80 किलो मेरा वजन था, अभी 60 किलो हो गया, फिर भी मैं हिम्मत रखता हूँ कि दौड़ भाग करता हूँ, सुबह कम से कम 7-5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, काम करता हूँ, शाम तक पसीना बहाता हूँ, बीड़ी सिगरेट पान गुटखा शराब जुआ कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बिल्कुल पूरा संन्यास है, कुछ नहीं है। इसलिए मैं जो है अपना कोटा मिलता है वो भी लाने के लिए मैं 7-8 महीने से नहीं गया। सबसे बड़ा जो है यही है कि हमने कुत्ते भी पालने हैं, बिल्ली भी पालने हैं, चूहे भगाने हैं, तो बंदर भगाने हैं तो कुत्ते भी पालने पड़ेंगे, और जो है खेतों में लगे रहना पड़ेगा शाम तक, तो बंदर भूखे रहेंगे। इस गांव को छोड़ के दूसरे गांव को चले जाए, जंगली जानवर परेशान तो करते हैं, पर ऐसा है कि हमने कुत्ते भी पालने पड़ेंगे, और नंबर एक हमने जो है कम से कम 4 बजे बिस्तर छोड़ के, बंदर कभी भी जो है 6 बजे के टाइम से पहले जमीन में नहीं आता नुकसान करने, 6 बजे के बाद ही बंदर जो है जमीन में खाने के लिए आता है। अब यहाँ पर है, यहाँ पर पूरे जुआरी लोग जुआ खेलते थे, छोटे से बड़े तक पीपल के पेड़, आजकल कोई नहीं, शराब काम में लगा देता, वो देख रहे हैं वो अपने आप नहीं आते हैं, बस अच्छे आदमी अभी आजकल जो है बैठे आते हैं, अच्छा नहीं तो कोई आता नहीं है। और उत्तराखंड के अंदर में हम विकास कैसे करेंगे साहब, हमारे कोरोना से बीमार होके वहाँ से घर आए, यहाँ हम पहाड़ में रहे, अब देखो सभी की ज़मीन आप ही साथ देहरादून में है, आपके भाई लोग होंगे, आपकी ज़मीन संभाल रखी होगी, जब आप घर में जाएंगे आपका हिस्सा आपके पास रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। इसी तरह मैंने सभी भाइयों का संभाल रखा, अपने भाइयों का ऐसा ही सभी संभाल है। अभी कोरोना से जो घर आ गए हैं, शराब की भट्टी में लाइन देखो साहब, नंबर एक उत्तराखंड, हम बॉर्डर में है, ये पिथौरागढ़ जिला जो है पूरा बॉर्डर में, नेपाल वहाँ से ऐसा कर रहा है, सेना ऐसा कर रहा है, ये इसके पहाड़ जो है सेना है। मैं इसमें कमाता हूँ कम से कम 4-5 लाख रुपया फिर भी कमा लेता हूँ। जो है सभी को मैं जो है उत्तराखंड के लोगों को कह रहा हूँ, सबसे पहले शराब छोड़ो, जुआ खेलना छोड़ो, बच्चों के पीछे जो है पैसा लगाओ, ट्यूशन पढ़ाओ, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है शाम तक देखो, हमारा बच्चा जो है बिस्तर में है नहीं है या अभी कहाँ है, अपने बच्चे को कंट्रोल रखोगे आपका बच्चा कभी भी आगे जाके बढ़कर अच्छा काम करेगा, नहीं तो कभी भी अच्छा काम नहीं करेगा, आपका नाम भी आएगा।